الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى من تبعهم من أئمة المجتهدين إلى يوم الجزاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو بقول شاعر وقال تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन जितने जर्रे हैं उतने दरूद आप पर बाग़े कौनैन के सारे अशजार के जितने पत्ते हैं उतने दरूद आप पर आसमां के दो शाले में टांके हुए जितने तारे हैं उतने दरूद आप पर चश्मे इंसान से अशकों के टपके हुए जितने कतरे हैं उतने दरूद आप पर सारी तहरीर और तकरीर इंसान में रब्बे रहमान के सारे कुरान में जिस कदर हर्फ हैं और हर हर्फ के जितने नुक्ते हैं उतने दरूद आप पर दरूद पाक सारे हदिया करेंगे डिसेंट साउंड वाले भाई थोड़ा सा बेस भी बढ़ा देंगे इको ज़रा कम कर देना थोड़ा तेज़ बोलना होता है जिसकी वजह से समझ आएगा तो बहुत लंबा सफ़र करके मेरे ख्याल में आज के दिन का जो प्रोग्राम है इसमें सबसे लंबा सफ़र करके मैं आया हूँ तकरीबन कुछ 400 किलोमीटर से भी कुछ ज़्यादा सफ़र किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म नबूवत के लिए हमारा एक एक कदम कबूल फरमाए और जितने दोस्त बैठे हैं इन सब से दरख्वास्त है कि एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपनी नौकरी शुरू करता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद मैं बतौर ख़ास ममनून हूँ हज़रत मौलाना सैयद महमूद अली शाह साहब का और इसी तरह मौलाना कारी अब्दुल गफ़ार साहब का इसी तरह मौलाना सैयद मोहसिन शाह साहब का इन दोस्तों ने बड़े खुलूस और मोहब्बत से मुझे इस मुबारक महफ़िल में शिरकत का मौका अता फरमाया अल्लाह करीम आप सब की ये जिद्दोजहद कबूल फरमाए आप जैसे हमने लंबा सफ़र किया ऐसे ही आप भी लंबा सफ़र करके गांव से मुजाफात से आए हैं और मगरिब के वक्त से तकरीबन आप पाबंद बैठे हुए हैं आपके हौसले को दाद है और आपके हौसले को सलाम है मैं कहता हूं कि जो ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में बैठ नहीं सकता या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए नारा नहीं लगा सकता वो जान क्या देगा तो इसलिए बड़े नसीबों वाले हैं जो ख़त्म नबूवत के नारे भी लगा रहे हैं और ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं बावजूद थकावट के और अभी एक खतीब रहता है साड़ी जबान च कहंदे ने भी गर्मियां दा बंदा रोज़ा रखे ते असर दे टाइम जाके रोज़ा तोड़ देवे ते लोग कहंदे ने ए बड़ा ना समझ बंदा है गर्मियां दा रोज़ा असर तक रोज़ा रखिया हुण आखिरी एक घंटा रह गया ते उहदे च रोज़ा नहीं रोक सकिया तो मेरे दोस्तों हौसला रखना है बैठना है बैठोगे इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे मौलाना आबिद सिद्दीकी साहब इसी तरह मौलाना मुजीब साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं कुछ उलमा ऐसे हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता मैं सबका बराबर एहतराम करता हूँ मौलाना मोहसिन शाह साहब ने मुझे बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों से दावत दी है और बड़े अलकाब और बड़े तारुफ़ मेरे करवाए मैं अपना तारुफ़ चार मिसरों में करवाया करता हूँ और वही चार मिसरे मेरा तारुफ़ हैं कि नियाजमंद नबी हूँ नबी का नौकर हूँ मेरे भाई चश्मे वाले क्या नाम है आपका जज़ाकअल्लाह अमीर हमजा मेरे प्यारे भाई आप जैसे ना यहाँ से तीन बंदे यहाँ से दस बंदे सिर्फ मुझे चाहिए यहाँ से तीन बंदे जो मुझे दुआ दें
यहां से 10 बंदे जो मुझे दाद देंगे, 13 बंदे, अगर ये 13 बंदे मेरे साथ चले तो 313 इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये आपकी मोहब्बत होगी, बस आपने मेरा साथ देना है थोड़ी देर के लिए। नियाजमंद नबी हूँ, नबी का नौकर हूँ, नियाजमंद नबी हूँ, नबी का नौकर हूँ, हसन हुसैन उमामा अली का नौकर हूँ। नियाजमंद नबी हूँ, नबी का नौकर हूँ। आखिरी मिसरे पे आपने मेरे साथ रहना है। यहाँ 4 मिसरे हैं और एक एक मिसरा बड़ी मोहब्बत चाहता है। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब फरमा रहे थे, ये जो कलाम हम आपको अहले बैत की शान में सुना रहे हैं और असली और नस्ली सुन्नियों को सुना रहे हैं, ये कलाम किसी और महफिल को सुनाते तो आप देखते वहां कैसा रिस्पॉन्स आना था। कभी भी अपने आप को तोहमत पे ना आने दो, तोहमत से खुद को बचाओ। अहले बैत की बात आए तो मुंह पे मुस्कराहट सजाओ, सीना चौड़ा करो और दुनिया को बताओ कि हम अहले बैत के हैं, अहले बैत हमारे हैं। नियाजमंद नबी हूं, नबी का नौकर हूं, हसन हुसैन उमामा अली का नौकर हूं, मैं उनकी बेटियों बेटों सभी का नौकर हूं, मैं उनकी बेटियों बेटों सभी का नौकर हूं। रास्ता दे दे माशाल्लाह, हमारे आखिरी मेहमान तशरीफ लाए हैं, जजाकल्ला। दरूद पाक पढ़ते रहें। बिस्मिल्लाह हजरत, जजाकल्ला, तशरीफ लाइए, रास्ता दे दें बेटा, माशाल्लाह, जजाकल्ला हजरत। जज़ाकअल्लाह, अभी सारे बैठ जाएं, सारे बैठ जाएं, जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर, बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, बेटा बैठ जाएं, माशाल्लाह। अच्छा भाई, सीधी बात है, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब के साथ मैं अपनी हाजिरी लगा चुका हूँ, हैं जी, और मैं माशाल्लाह हजरत के इंतज़ार में था, हजरत तशरीफ लाएं। अभी मैं पहले ही रुबाई पढ़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तशरीफ ले आए हैं, हमारा सरमाया है, और मैं इनकी गैर मौजूदगी में अभी वहाँ दोस्तों को एक बात कर रहा था कि हमारे मसलक में आयली मसाइल पे, खानगी मसाइल पे, घरेलू मसाइल पे, बाहमी हुकूक पे जितनी सैर हासिल गुफ्तगू, मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी साहब फरमाते हैं, ये अगर ना होते तो यकीन करें हमारा मसलक शायद इस हवाले से शर्मिंदा रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी हिफाजत फरमाए और इनके इल्म में अमल में ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, आमीन। इवें आखो जिवें मस्जिद च माशाल्लाह साडे वड्डे भाई आमीन उच्ची कहंदे ने। अच्छा मेरे दोस्तों, मेरी नौकरी मुकम्मल हो रही है, मैं खड़ा हो गया हूँ, हालांकि चेयर मौजूद है, मैं थोड़ा सा माहौल बनाना चाहता हूँ। एक मिसरा रहता है भाई जान, नियाजमंद नबी हूँ, नबी का नौकर हूँ। अमीर हमजा मेरा बेटा किधर चला गया, बिस्मिल्लाह। नियाजमंद नबी हूँ, नबी का नौकर हूँ, हसन हुसैन उमामा अली का नौकर हूँ, मैं उनकी बेटियों बेटों सभी का नौकर हूँ, मैं उनके काम के हर आदमी का नौकर हूँ, मैं उनके काम के हर आदमी का नौकर हूँ। और तवज्जो, ये कॉन्फ्रेंस है खत्मे नबूवत की, मेरे सामने मुतनवे कई मजामीन बिखरे हुए हैं, आप यकीन करें कलाम भी, खिताबत भी, गुफ्तगू भी, हर हवाले से मैं आप दोस्तों से कई बातें करना चाहता हूं, लेकिन मैं मुख्तसर करूंगा। ये कॉन्फ्रेंस खत्मे नबूवत की है और आज मैं आपको बड़े दो टोक लफ्जों में कहूं, कुरान अगर महफूज है ये फैजान खत्मे नबूवत है। पता है क्यों मेरे प्यारे भाई, पता है क्यों? देखें, तौरात हजरत मूसा पे नाजिल हुई, तौरात के बाद हजरत ईसा आए, इंजील वाला नबी आया तो तौरात महफूज ना रही, इंजील के बाद कुरान वाला नबी आया तो इंजील महफूज ना रही,
कुरान कयामत तक के लिए है, ना कुरान के बाद कोई किताब है, ना कुरान वाले नबी के बाद कोई नबी है। अगर आप माहौल बनाएं, मैं अपने पंजाबी के लिखे हुए चार शेर सुनाना चाहता हूं और आप दोस्तों का माहौल गरमाना चाहता हूं। नबीनू ताज पहनाया गया खत्मे नबूवत दा, है मालिक ताजदारे अंबिया खत्मे नबूवत दा। अल्लाह की कसम हजरत मौजूद हैं, मैं नजरियाती बंदा हूं, मैं इस पर दावा करूं कि मेरे इस शेर पे, आखिरी शेर पे अगर सारे खड़े हो के भी मुझे दाद और दुआ दें तो इन शेरों का हक अदा नहीं होता। लेकिन मैं इतनी बड़ी आपको जहमत नहीं दूंगा, मगर अगर किसी का हाथ नहीं उठता, सीना नहीं खुलता, जुबान नहीं खुलती, तो मैं कैसे मानूंगा ये नामूसे रिसालत के लिए जान देगा। जरा शेर सुन, आखिरी शेर पे मुझे आपने खास तौर पे मेरी फरमाइश पूरी करनी है। नबीनु ताज पहनाया गया खत्मे नबूवत दा, है मालिक ताजदारे अंबिया खत्मे नबूवत दा। दीवाना बन के रहना है सदा खत्मे नबूवत दा, अकीदा पक्का ठक्का है मेरा खत्मे नबूवत दा। मुहम्मद पाक दा नौकर किसे काने दा काना नहीं, तराना गज के वज के तू सुना खत्मे नबूवत दा। जे नौकर हैं, जे नौकर हैं तो फिर हक भी अदा कर नौकरी दा तू, जे मोमिन हैं तो फिर नारा लगा खत्मे नबूवत दा। नारा तकबीर शान मुस्तफा अजमत मुस्तफा ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, नारा तकबीर। मौलाना मोहसिन शाह साहब, तवज्जो मेरे प्यारे भाई, अर्ज ये कर रहा था अगर कुरान महफूज है, ये फैजान खत्मे नबूवत है, जो फिक्र का चराग है, जो इल्म का निसाब है, जो तीरगी जहल में मिसाल आफताब है, कुरान का निजाम ही जहां में कामयाब है। कुरान वो किताब है जो दर्स इनकलाब है, समझ के अगर कोई पढ़े तो नूर अला नूर है, बिला समझ के भी पढ़े तो बायसे सुरूर है। कलाम पाक सर बसर सवाब ही सवाब है, कुरान वो किताब है जो दर्स इनकलाब है। हर दौर में अंग्रेजों ने यहूदियों ने कोशिश की इस कुरान को मिटा दिया जाए, मगर मोहम्मद करीम के सच्चे नौकर सीने में भी महफूज रखते हैं, दो गत्तों में भी महफूज रखते हैं। मैंने नार्वे में देखा एक ईसाई पादरी ने कुरान को थामा, उसे जलाने लगा तो एक नौजवान आगे बढ़ा जिसकी अभी दाढ़ी उतर रही थी, उस नौजवान ने छलांग मार के उसके हाथ से कुरान छीना, उसे थप्पड़ मारा। मैंने मालूम किया उस बच्चे का नाम, मुझे पता चला उमर है। मैंने कहा परवरदिगार, मैं तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, तेरी बेनियाजी पे कुर्बान जाऊं, कभी तू उमर को बचाने के लिए कुरान भेज देता है और कभी कुरान बचाने के लिए उमर भेज देता। नारा तकबीर शान मुस्तफा अजमत मुस्तफा शान सहाबा शान अहले बैत, नारा तकबीर। ਜਿਵੇਂ ਬਦਬਖਤ ਅਜ਼ਲੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਤੀਨ ਬੰਦੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਔਰ 10 ਬੰਦੇ ਵਹਾਂ ਸੇ, ये 13 हो जाएं तो इनकी बरकत से 313 हो जाएंगे। जिमें बदबख्त अजली दिल दे विच इस्लाम नहीं आंदा, मैं अहले बैत का सच्चा नौकर हूं और थोड़े से वक्त में थोड़ी सी झलकी शान अहले बैत पे पढ़ूंगा। ये बताने के लिए, ये बावर कराने के लिए नहीं कि हम सुन्नी अहले बैत को मानते हैं, बल्कि दुनिया को ये मनवाने के लिए कि अहले बैत को तो मानते ही अहले सुन्नत वाले हैं और जैसे नबी ने चाहा वैसे मानते हैं। लेकिन पहले चार मिसरे सुन, अगर सुननी है तो इनका वजन करना। जिमें बदबख्त अजली दिल दे विच इस्लाम नहीं आता, जिमें हासिद नू कई दारू दे नाल आराम नहीं आता। मेरा अरशद तजर्बा है, कोई कितना भी टिल ला ले, मुनाफिक दी जबान उत्ते उमर दा नाम नहीं आ। मिलके कहो सुभान अल्लाह, मिलके कहो सुभान अल्लाह। हाय मेरे दोस्तों, मेरा दिल करता है वैसे तकरीर इत्थे मैं करा, तो सुभान अल्लाह भी उत्थे आके मैं ही आखा।
मिलकर कहो सुभान अल्लाह। अर्ज ये कर रहा था कुरान महफूज है, ये फैजान खत्म नबूवत है, और महफूज क्यों ना हो, अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा तबर्रक बिल कुरानी फइन्नहु कलामुल्लाही खराज मिन्हु, कुरान से बरकत हासिल करो क्योंकि ये अल्लाह के अंदर से निकला है, और अल्लाह के अंदर से निकला हुआ कुरान मेरे नबी की सीरत बन गया है। मेरी माँ आयशा ने कहा है काना खुलुकुहुल कुरान, कुरान सारा का सारा मेरे नबी की सीरत है। मैं जुमले कहता चला जाऊं, आप जुमलों का वजन करते चले जाओ। मियां अलहम्द पढ़िए मोहम्मद है, अल बकरा मोहम्मद है, आले इमरान मोहम्मद है, सूरत मोहम्मद मोहम्मद है, यासीन मोहम्मद है, मुजम्मिल मोहम्मद है, मुद्दसर मोहम्मद है, अलम नशरा मोहम्मद है, लका में काफ जमीर मोहम्मद है, सदरका में काफ जमीर मोहम्मद है, इन्ना अरसलना का मोहम्मद है, शाहिदन मोहम्मद है, बशीरन मोहम्मद है, दाईयन इलल्ला मोहम्मद है, नसीरन मोहम्मद है। ओ मियां मुझे जुमला कहने दे, 1400 साल पहले लोग मोहम्मद को देखते थे, उन्हें कुरान नजर आता था, और आज 1400 साल के बाद लोग कुरान को देखते हैं, उन्हें मोहम्मद नजर आता। नारे तकबीर शाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, अजमत कुरान, नारा तकबीर। मेरे प्यारे भाई मौलाना मोहसिन शाह साहब ने शान मुस्तफा पे नारा लगाया, अजमत मुस्तफा पे नारा लगाया। हजरत मौजूद हैं, सवाब की नीयत से सुनाने के लिए, इस्लाह की नीयत से मैंने कुछ मिसरे जोड़े हैं, आप सुनते चले जाएं, अपने प्यारे नबी खातमुन नबीयीन की अजमत सुनते चले जाएं। ये सूरज दिलों को जिया देने वाला, ये जालिम की जुल्मत मिटा देने वाला, ये बेगाने अपने बना देने वाला, ये बातिल की हैबत मिटा देने वाला, ये कतरे को दरिया बना देने वाला, ये हर जख्म खाकर दुआ देने वाला, ये जर्रे को सहरा बना देने वाला, ये टूटे दिलों को मिला देने वाला, ये मुर्दा दिलों को जगा देने वाला, ये तौहीद रब की सदा देने वाला, ये तालीम हिल्म हया देने वाला, ये तालीम जूदो सखा देने वाला, ये तालीम शर्मो हया देने वाला, सहाबा को महरो वफा देने वाला, यतीमों को बे इंतहा देने वाला, सखावत के दरिया बहा देने वाला, ये पत्थरों को कलमा पढ़ा देने वाला, ये सत्तर को प्याला पिला देने वाला, मदीने को जन्नत बना देने वाला। अरे तकबीर शाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। और तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। मैंने किसी और महफिल में अहमदपुर सियाल में कहा था, जमी चमकी जमा चमका, रुखे कोनो मका, खातमुन नबीयीन आए हैं, खातमुन नबियों के नबी आए हैं, क्योंकि औरों के नबी आ तो चुके, अब सब के नबी आते हैं। जब सब के नबी आए हैं ना, तो फिर मंजर यूं बना है, जमी चमकी जमा चमका, रुखे कोनो मका चमका, मेरा सारा जहां चमका, अजल रोशन अबद ताबा, हुआ नूरे मुजस्सम से, अया चमका नेहा चमका, कराता बेकरा चमका, चरागे आसमा चमका, जमी चमकी फलक चमका, जुबा चमकी बया चमका, नसीबे आसिया चमका, वजूदे बेकसा चमका, जमी चमकी फलक चमका, जुबा चमकी बया चमका, बया चमका कुरा चमका, कुरा चमका, मोहम्मद मुस्तफा आए तो सारा ही जहां चमका। अरे तकबीर शाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, नारा तकबीर। तवज्जो मेरी तरफ, शाह जी कुरान महफूज है, ये फैजान खत्मे नबूवत है, मेरे नबी ने कहा, कुरान ने भी कहा, ईमान ऐसे लाओ जैसे नबी के सहाबा लाए। तवज्जो यार, मैं आपको खत्मे नबूवत पढ़ा बता रहा हूँ, जरा ध्यान रखना, मेरे कुरान ने कहा, जिस कुरान की बात कर रहा हूं वो कह रहा है,
ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा लाए। नबी ने कहा मेरे सहाबा के रास्ते पे चलो, पता चला नबी के बाद कोई और नबी नहीं है, इसलिए नबी ने रास्ता दे दिया कयामत तक के लोगों को। लोगों सहाबा के दर पे आ जाना, सहाबा तुम्हें उंगली पकड़ के नबी के दर पे लाएंगे। मुझे कहने दे, कुरान कहता है ईमान का मेयार सहाबा है, मेयार ईमान सहाबा है, मेयार ईकान सहाबा है, मेयार एहसान सहाबा है, मेयार इस्लाम सहाबा है, मेयार पैगाम सहाबा है। नबी के सहाबा तहारत का पैकर, नबी के सहाबा शुजात का पैकर, नबी के सहाबा सखावत का पैकर, नबी के सहाबा इबादत का पैकर, नबी के सहाबा तहारत का पैकर। अबू बकर जैसी सदाकत सहाबा, उमर जैसी रोशन अदालत सहाबा, गनी की सखावत, अली की शुजात, हसन की सियादत, मोहम्मद की प्यारी जमात सहाबा, मुकर्रम नबी के मुकर्रम सहाबा, मुबारक नबी के मुबारक सहाबा, मुनव्वर नबी के मुनव्वर सहाबा, वो आला वो रोशन वो सीरक सहाबा। सहाबा अता है, सहाबा जिया है, सहाबा दुआ है, सहाबा वफा है, सहाबा सखा है। अली भी सहाबा, वली भी सहाबा, हसन भी सहाबा, गनी भी सहाबा, उमर भी सहाबा, जरी भी सहाबा, मोहब्बत की सच्ची निशानी सहाबा, कहानी सहाबा, नबुव्वत के हुबदार, सच्चे वफादार, अजमत के मीनार, जन्नत के हकदार, प्यारे सहाबा, हमारे सहाबा, तुलारे सहाबा, नबुव्वत के रोशन सितारे सहाबा, कलामे खुदा के सिपारे सा। नारा तकबीर, शाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, नारा तकबीर। मेरे प्यारे शाहजी ने अजमत अहले बैत का नारा लगाया, तवज्जो, बात समेट रहा हूँ, दो से तीन मिनट में नौकरी मुकम्मल हो रही है, तवज्जो करना, हजरत का एहसास है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी फजाइल वाली गुफ्तगू से ज्यादा मसाइल वाली गुफ्तगू आप सुने, इस्लाम भी होती चले जाए, अकीदा भी बने, अमल भी दुरुस्त हो जाए। मैं सहाबा की शान पढ़ रहा हूँ और मैं बताऊँ अहले बैत की शान महफूज है, ये भी फैजान खत्म नबूवत है। मेरे आका ने फरमाया था मैं जा रहा हूँ दो सकलैन छोड़कर, दो भारी चीजें छोड़कर, एक रिवायत में एक कुरान है, दूसरा मेरी सुन्नत है, दूसरी रिवायत में एक कुरान है, दूसरा मेरे अहले बैत है। शान इज्जत अजमत नामूस महफूज है, ये फैजान खत्म नबूवत है। और मैंने सहाबा की शान पढ़ी, कुरान बताता है कई हवालों से, अकीदा बता रहा हूँ। कोई अपना बैठा है, कोई पराया बैठा है, कोई अपना बैठा है, कोई पराया है, कोई देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, सुन्नी है, हनफी है, मनफी है, सबके सामने बता रहा हूँ सहाबा की शान बताई कुरान ने। और कुरान ने बताया पांच हवालों से सहाबा से अहले बैत अफजल है। मिन जुमला सहाबा की बात कर रहा हूँ, अहले बैत अफजल है इसलिए के अहले बैत पे सदका नहीं लगता, इसलिए के अहले बैत के बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। ओ मियां, इसलिए के हम नमाज पढ़ें, रकू करें, अल्लाह कहता है मैं राजी नहीं, हम क्याम करें, अल्लाह कहता है मैं राजी नहीं, हम सजदा करें, अल्लाह कहता है मैं राजी नहीं, हम अल्लाह की बारगाह में कहें अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अल्लाह कहता है मैं राजी नहीं, मैं दरूद पढ़ूं, अल्लाह कहता है मैं राजी नहीं, तूने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहा, आले मोहम्मद नहीं कहा। अब जब मैंने आले मोहम्मद कहा, परवरदिगार ने कहा तूने आले मोहम्मद को राजी किया, तुझसे अली भी राजी, तुझसे नबी भी राजी, तुझसे अली और नबी का खुदा भी राजी। तकबीर, शाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, नारा तकबीर। शाहजी, अहले बैत की आबरू, अहले बैत के बाबा, एक फरमाइश है कलाम की, अहले बैत के बाबा, अहले बैत की आबरू, मैं उसकी शान में कलाम सुनाऊं। अल्लाह की कसम अहमदपुर सियाल वालों, मैंने पहले भी सुनाया था, आप लोग उठ उठ के सुन रहे थे, मुझे एहसास है वक्त ज़्यादा बीत गया है। ये जो चंद मिसरे हैं, मेरा दिल लहू हुआ फिर जाके मिसरा रफू हुआ, मेरा दिल लहू हुआ फिर जाके अली की शान में मिसरा रफू हुआ। ये मिसरे जाए ना करो, सुनो, ए जीवे सिजदी सवेर हक के, ए
जीवे सिजदी सवेर हक के, ए जीवे सिजदी सवेर हक के, अली हकीकत ढेर हक के। ऐ मेरा सज्जा ते खब्बा पासा बड़ा मजबूत है ते सामने वाले बड़े औखे बैठे ने। कहीं आपको ये परेशानी तो नहीं है कि ये अहले सुन्नत के स्टेज से शाने अली क्यों पढ़ रहा है? हां जी नहीं, आपको तो नहीं है, कोई और। मैंने कहा कोई अपना, आप तो अपने बैठे, मैंने कहा कोई अपना बैठा होगा शायद। हां जी ए जीवे सिजदी सवेर हक के। भाई जैसे ये हक बयान हो रहा है ना, ऐसे दाद दो जैसे देने का हक है। ए जीवे सिजदी सवेर हक के, अली हकीकत तू ढेर हक के, हसीने तू वद हसी अली है, यकीन अली है, अमन अली है, अमी अली है, अमा अली है, असा फकीरें दी छा अली है। सिजदी सवेर हक के, अली हकीकत तू ढेर हक के, हसी है हसीने तू वद हसी अली है, यकीन अली है, अमन अली है, अमी अली है, अमा अली है, असा फकीरें दी छा अली है। ओ अली दी तौसीफ क्यों ना लिखा, जो मेरे लफ्जें दी लज अली है, ते मेरे अखीं दा हज अली है। अली दे खुतबे तू हर्फ बन देन, अली दे रुतबे तू शर्फ बन देन, शर्फ बन दें। सोने मोहम्मद दी सोनी मुदरी दा नग अली है। हाय वे मेरे सुत्ते सामीन, कितने मिसरे मैंने कहा दिल लहू करके मैंने मिसरे लिखे हैं। हसीने तू वद हसी अली है, यकीन अली है, अमन अली है, अमा अली है, असा फकीरें दी छां अली है। अली दी तौसीफ क्यों ना लिखा, जो मेरे लफ्जें दी लज अली है, ते मेरे अखीं दा हज अली है। ओ मियां अली दी तौसीफ क्यों ना लिखा, जो मेरे लफ्जें दी लज अली है, ते मेरे अखीं दा हज अली है। सोने मोहम्मद दी सोनी मुदरी दा नग अली है, असारे सिरें दी पग अली है, तवज्जो, असारे सिरें दी पग अली है। नबी दे बिस्तर दा चैन अली है, हसन अली है, हुसैन अली है, हुसैन दा पुत्र जैन अली है। ये तो आपको पता होगा ना कि हजरत हुसैन के बेटे जैन का असल नाम क्या है? बोलो यार, सुनियों का मजमा है, अली बिन हुसैन। ये असल नाम है अली बिन हुसैन। ये हजरत जैनुल आबिदीन का नाम है अली बिन हुसैन। खुदा हो मुस्तफा हो मुर्तजा सबका वली होना, हर एक निस्बत से उसको जच रहा है सैयदी होना। शरफ कम तो नहीं अपने ही जद का उम्मती होना, मेरा मतलब है औलाद अली आले नबी होना। नहीं आसान दो दो निस्बतों से हैदरी होना, अली होना, अली इब्ने हुसैन इब्ने अली होना। बोलो यार, ये दो चार जो बैठे हैं ना, नबी दे बिस्तर दा चैन अली है, हसन अली है, हुसैन अली है, हुसैन दा पुत्र जैन अली है, हमीर हमजा बेटे, हुसैन दा पुत्र जैन अली है। तवज्जो, नबी दे प्यारे दा प्यार अली है, सहाबा प्यारे दा प्यार अली है, नबी दे यारे दा यार अली है, ते मौसमे दी बहार अली है। अकी अली अकीदा, अली अकीदत, अली तसव्वुफ, अली तरीकत, अली शरीयत, अली खिलाफत, अली विलायत। तवज्जो, मेरा जुमला जाय ना जाए, अली तहारतें दा सफीर अली है, अमीर अली है, अमीर लोगें दा पीर अली है, ते पहले पहले खलीफा सही दा वजीर अली है, उमर ते उस्मान बाहया दा मुशीर अली। ईमान सलामत रखने ता असहाब नबी ते पहरा दे, सिद्दीक उमर दा नौकर बन उस्मान अली ते पहरा दे, जे कु पाक कुरान ने माखे उ अम्मा जी ते पहरा दे, जे पुत्र हलाली है नादर सिद्दीक दी धी ते, सिद्दीक दी धी ते, अमीर लोगें दा पीर अली है, तहा तहारतें दा सफीर अली है, ते पहले पहले खलीफा सही दा वजीर अली है, मुशीर अली है, उमर ते उस्मान बाहया दा मुशीर अली है। तवज्जो, दुआ अली है, दवा अली है, शिफा अली है, दुआ अली है, दवा अली है, शिफा अली है। मौला सुनने दा गाजी जंगे दा हीरो खैबर दा नमाजी मस्जिद दा, मौला सुनने दा हीरो खैबर दा, मौला सुनने दा गाल मुकदी मुकावे नादर, मलाई ते मक्खन ते घ्यो वाली है, नबी दी नस्लें दा प्यो वाली। वाखिर दावा नानी।